हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं आप सबके बीच क्लास 5 का फर्स्ट चैप्टर लेके आया हूँ, जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे हमारे कंप्यूटर का डेवलपमेंट कैसे हुआ, किस किस फेज के थ्रू हुआ, हमारे कंप्यूटर में कितने जनरेशन्स हैं और अभी हमारे करेंट जनरेशन कौन से चल रहे हैं, और साथ में हमारा कंप्यूटर कैसे डेवलप हुआ। अभी आज जो हम इतना छोटा कंप्यूटर देख रहे हैं, पहले इतना छोटा हुआ नहीं करता था। पहले बहुत बड़ा हमारा कंप्यूटर होता था। हमारा कंप्यूटर साइज़ के अकॉर्डिंग कैसे छोटा हुआ होते गया, और टेक्नोलॉजी वाइज हमारे कंप्यूटर में हमेशा टेक्नोलॉजी का चेंजेज आते गया। इन सभी टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए हमारे कंप्यूटर के कितने जनरेशन आए और ये कब लॉन्च किए गए, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के बारे में बच्चों, मैंने पहले भी डिस्कस किया था आपसे क्लास में, तो फिर से मैं इस चैप्टर को अगेन डिस्कस करने वाला हूँ आप सभी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप सब इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे। आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। ये डिस्कस करने से पहले बच्चों, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि बच्चे, कंप्यूटर का डेवलपमेंट क्यों किया गया, हमें कंप्यूटर की ज़रूरत ही क्यों आई। आगे कोई तो कारण हुआ होगा जिससे हमें कंप्यूटर की ज़रूरत हुई होगी। तो बच्चों, इसका एक आंसर होगा, हमें कंप्यूटर की ज़रूरत इसलिए हुई क्योंकि उस समय लार्ज कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास कोई ऐसे डिवाइस नहीं होते थे, कोई ऐसे मशीन नहीं होते थे जिससे वो फास्ट कैलकुलेट हो। हमें अगर किसी चीज़ को ऐड करना हो, सब्सट्रैक्ट करना हो, उसके लिए हमें ह्यूमन बींग्स का यूज करना होता था, यानी कि हमारे आदमी उसको काउंट करते थे, देन उसको इम्प्लीमेंट करते थे। तो इसके लिए हमें एक ऐसे मशीन की ज़रूरत थी जो हमारा फास्ट कैलकुलेशन प्रोवाइड कर सके। पहले हमारा कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं हुआ करता था बच्चों, पहले हमारा कंप्यूटर प्योर मैकेनिकल डिवाइस हुआ करता था। इनिशियल स्टेट में जब ये शुरू शुरू में जब कंप्यूटर का डेवलपमेंट के बारे में सोचा गया तो इसे मैकेनिकल बनाया गया, और हमारा जो फर्स्ट कंप्यूटर इसके मैकेनिकल कंप्यूटर के थ्रू आया उसका नाम अबेकस हुआ करता था। तो आइए अबेकस कैसा दिखता था इसके बारे में हम लोग जानते हैं। बच्चों, यहाँ आप फिगर में आप अबेकस कंप्यूटर को देख सकते होंगे। यहाँ फिगर में दिखा रहा है कुछ राउंड राउंड बॉल्स एक रिबन के ऊपर लपेटे हुए हैं और इसी के थ्रू कैलकुलेशन हुआ करती थी। ठीक है, हमें कंप्यूटर की ज़रूरत क्यों हुई थी, कैलकुलेशन करने के लिए। तो इस कैलकुलेशन को करने के लिए हमें किस तरह के डिवाइस लाया गया, मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस लाया गया, और उसका नाम क्या था, अबेकस। लेकिन क्या यह प्रॉपरली सही तरीके से यूज हो सकता था कैलकुलेशन करने के लिए, क्या यह फास्ट था। नहीं बच्चों, ये फास्ट नहीं था। फास्ट नहीं होने के कारण इसको हम लोग फिर थोड़ा और डेवलपमेंट के फेज में आगे बढ़। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले हम ये डिस्कस करना चाहेंगे कि ये कंप्यूटर कब बनाया गया और किसके द्वारा बनाया गया, और ये हमारा अबेकस नाम का जो कंप्यूटर था ये किस चीज़ से बना हुआ होता था। तो बच्चों, जैसा कि आपके बुक में ही दिया हुआ है कि ये कंप्यूटर चाइना में बनाया गया था, वो भी 17th सेंचुरी में, यानी कि 17वीं शताब्दी में ये कंप्यूटर अबेकस नामक कंप्यूटर चाइना में डेवलप किया गया था। और हमारा जो अबेकस कंप्यूटर था, एक वुडन फ्रेम में रॉड्स के थ्रू फिट किया रहता था, यानी कि वुडन फ्रेम में एक रॉड डाल के उसको अक्रॉस फिट किया जाता था, यानी कि सीधे फिट किया जाता था, और उसमें राउंड बिट्स डाले जाते थे, यानी कि राउंड गोल एक बिट्स डाले जाते थे ताकि उससे कैलकुलेशन किया जा सके। अब इस कैलकुलेशन को करने के लिए हम दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, इस कैलकुलेशन को करने के लिए दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया था। तो आइए नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं कैसे डिवाइड किया गया था। तो फर्स्ट पार्ट होता था, यानी कि अपर पार्ट जो होता था उसे हम लोग हैबेन नाम से जानते थे, और हमारा लोएस्ट पार्ट होता था, यानी कि नीचे वाला पार्ट होता था, उसे हम लोग अर्थ मानते थे। ये दोनों को मानते हुए हम इस कंप्यूटर में कैलकुलेशन कर, इस अबेकस कंप्यूटर को ऑपरेट करते समय हमें एक यूनिट को चूज करना होता था, यानी कि हम अगर अपर यूनिट को चूज करते हैं तो, या लोअर यूनिट को चूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक यूनिट चूज कर सकते हैं। अब एक यूनिट चूज करने के बाद हम इसको लेफ्ट टू राइट भी सर्च कर सकते हैं, यानी कि लेफ्ट टू राइट भी कैलकुलेट कर सकते थे और राइट टू लेफ्ट भी कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन ये कैलकुलेट करना थोड़ा ज़्यादा हार्ड हो जा रहा था। तो हमारे पास एक और कंप्यूटर आया, नैपियर्स बोन्स। ये हमारे नैपियर्स बोन्स कंप्यूटर हमारे पास 1617 ईस्वी में आया, यानी कि 1617 में
जॉन्स नेपियर नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाया जिसका नाम था नेपियर्स बोन्स कंप्यूटर। लेकिन नेपियर बोन्स कंप्यूटर भी बच्चों हमारे अबेकस की तरह ही हुआ करता था। इसमें भी रॉड और बोन्स के हेल्प लिया गया था और साथ में ये कंप्यूटर का भी डिज़ाइन हमारे लिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को आसान करने के लिए किया गया था। देन इसके बाद हमारा कंप्यूटर एक कदम और आगे बढ़ के पास्कल कैलकुलेटर के रूप में लॉन्च किया। अब बच्चों पास्कल हमारे एक साइंटिस्ट थे, ब्लेसी पास्कल इसका नाम था, हमारे साइंटिस्ट फ्रेंच के थे और ये हमारा पास्कल्स कंप्यूटर 1642 ईस्वी में इन्वेंट किया गया था। पास्कल कंप्यूटर जब इन्वेंट किया गया तो सिर्फ ये कंप्यूटर कैलकुलेटर सॉरी कंप्यूटर नहीं, ये कैलकुलेटर सिर्फ एडिशन परफॉर्म कर सकता था। हमारा ये कंप्यूटर कैलकुलेटर सिर्फ एडिशन ही कर सकता। तो बच्चों पास्कल कैलकुलेटर के बाद हमें एक और वैज्ञानिक लिबनिट्ज कैलकुलेटर लेके आए। उस वैज्ञानिक का नाम था गॉटिफाइड लिबनिज, गॉटिफ्रेड लिबनिज। गॉटिफ्रेड लिबनिज 1671 ईस्वी में हमारे पास पास्कल कंप्यूटर को ही अपडेट करके, पास्कल कंप्यूटर को ही मॉडिफाई करके एक ऐसा कैलकुलेटर लेके आए जो कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो कर ही सकता था, साथ में ये कंप्यूटर मूवेबल कैरेज भी था और साथ में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नाम का फंक्शन भी इसमें ऐड किया गया था। मूवेबल कैरेज का मतलब होता है बच्चों, इसे आप कहीं ले जाके मतलब किसी दूसरे जगह पर भी आप ले जा सकते हैं, यानी कि आप कहीं जा रहे हैं अपने घर से दूसरे जगह तो वहाँ भी ले जा सकते हैं, आप स्कूल आ रहे हैं वहाँ भी ले जा सकते हैं। लेकिन पहले का जितना भी कैलकुलेटर आया था वो आप मूव नहीं कर सकते हैं, उसका वजन बहुत ज़्यादा हुआ करता था, वो साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ करता था। इन सभी कारणों से हम इसे बाहर या कहीं दूसरे जगह नहीं ले जाते थे। तो अब हमारे कंप्यूटर इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन आया जब चार्ल्स बैबेज ने अपना एक कंप्यूटर का मॉड्यूल प्रेजेंट किया। और बच्चों आप सभी जानते होंगे कि चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर बोला गया है। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर क्यों बोला गया है? क्योंकि चार्ल्स बैबेज ने हमारे मॉडर्न कंप्यूटर को डेवलप किया, यानी कि हम जो अभी कंप्यूटर यूज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं चार्ल्स बैबेज की ही देन है। चार्ल्स बैबेज एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, यानी कि वो एक ब्रिटेन के मैथमेटिशियन थे और इन्होंने 1822 ईस्वी में एक ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर का डेवलपमेंट किया था। 1822 ईस्वी में इन्होंने मैकेनिकल कैलकुलेटर को बनाया था। क्यों बनाया था? प्रिपेयरिंग मैथमेटिकल टेबल, यानी कि मैथमेटिकल टेबल को प्रिपेयर करने के लिए बनाया था बच्चों। और दिस मशीन वॉज नेम्ड डिफरेंस इंजन, और इस मशीन का नाम दिया गया था डिफरेंस इंजन। ही डिजाइन अ बेटर वर्जन ऑफ डिफरेंस इंजन नोन एज द एनालिटिकल इंजन इन 1833, यानी कि 1833 ईस्वी में इन्होंने डिफरेंस इंजन से एक कदम और आगे बढ़ के इससे बढ़िया एनालिटिकल इंजन नामक एक और कैलकुलेटर को लॉन्च किया। इस कैलकुलेटर को लॉन्च करने के पीछे उद्देश्य ये था कि वो एक ऐसे कंप्यूटर बनाए, मॉडर्न कंप्यूटर बनाए, कैलकुलेटिव कंप्यूटर बनाए जिससे बच्चे आसानी से उसे पोर्ट मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाए और हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा यानी कि भारी मात्रा में डेटा, हम पहले कैलकुलेटर हमारा होता था वो बहुत कम ही डेटा पे वर्क कर पाता था। अगर ज़्यादा डेटा हम लोग डालते थे तो हमारा कंप्यूटर का स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता था। स्लो होने के कारण हमारा कंप्यूटर सही तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करता था। रिस्पॉन्ड करने का मतलब वो हमें आंसर सही तरीके से दे नहीं पाता था, जिसमें बहुत सारी गलतियां हो जाती थी। इस सभी कारणों से हमारा कंप्यूटर आंसर नहीं दे पाता था। धीरे धीरे करके इन्होंने ऐसा ही कुछ और भी कैलकुलेटर का डेवलपमेंट किया बच्चों। ऐसे डेवलपमेंट करने के क्रम में ही इन्हें मॉडर्न कंप्यूटर का फादर बोला गया, क्योंकि इनका डेवलपमेंट सर्वोपरि रहा। इन्होंने कंप्यूटर इंडस्ट्री के लिए बहुत सारे खोज किए, बहुत सारे कैलकुलेटर का डेवलपमेंट किया। जैसा कि आप लोग बच्चों यहाँ देख रहे होंगे, एनालिटिकल इंजन कंप्यूटर कैलकुलेटर इनके द्वारा ही खोज किया गया था। इसीलिए चार्ल्स बैबेज को हम क्या क्या बोलते हैं, चार्ल्स बैबेज को हम, और साथ में चार्ल्स बैबेज के कंप्यूटर के साथ एक और फीचर था, वो ऐसा कंप्यूटर बनाने की कोशिश कर रहे थे कि जो कंप्यूटर डेटा को रीड कर सके, उसके ऊपर प्रोसेस कर सके और उसके ऊपर आउटपुट निकाल सके। बच्चों आप सभी जानते होंगे हमारा कंप्यूटर अभी भी, अभी जो मॉडर्न कंप्यूटर हमारा है
वो डेटा को रीड करता है, प्रोसेस करता है और हमारे बीच आउटपुट प्रेजेंट करता है। इन सभी कारणों से हमारे चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर बोला जाता है। बच्चों, आपके बुक के राइट साइड में चार्ल्स बेबेज नामक साइंटिस्ट का एक पिक्चर दिख रहा होगा, यही हमारे चार्ल्स बेबेज थे। तो बच्चों, आइए जानते हैं एडा लवलेस के बारे में। और चार्ल्स बेबेज के टीम में सिर्फ एक ही कंप्यूटर डेवलप प्रोग्रामर डेवलपर थी। प्रोग्रामर का मतलब होता है कि जो हमारे कंप्यूटर को कोड करे, यानी कि प्रोग्राम करे, कुछ ऐसे सोर्स कोड बनाए, कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन हमारे कंप्यूटर को बताए जिससे हमारा कंप्यूटर रन कर पाए। तो हमारी पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन थी? एडा लवलेस, जो कि चार्ल्स बेबेज के टीम में सिंगल मेंबर थी, यानी कि एक अकेली महिला थी जिन्होंने कंप्यूटर इंडस्ट्री को डेवलप करने में उनका साथ दिया। और साथ में कंप्यूटर के नंबर को जो हमारा एनालिटिकल इंजन बना हुआ था कैलकुलेटर, उसको सीक्वेंस में नंबर को ऐड करने के लिए इनका सबसे बड़ा हाथ रहा। और इन्हीं के हेल्प से हम अभी का जो कंप्यूटर देख रहे हैं, वो इन्हीं के हेल्प से, चार्ल्स बेबेज और इनके हेल्प से ही हम अभी का कंप्यूटर देख पा रहे हैं। इन सब कारणों से इनको मदर ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बोला गया, क्योंकि ये हमारे फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर थी। कंप्यूटर प्रोग्रामर का मतलब होता है बच्चों कि जो कंप्यूटर को प्रोग्राम करे, जो कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखे। और इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? एल्गोरिदम, जैसे बच्चों आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते होंगे एल्गोरिदम होता है, वैसे ही हमारे कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखने का कुछ एल्गोरिदम होता है, जिसके बारे में बच्चे जब आप सेवन्थ क्लास में जाओगे इसके बारे में और डिटेल्स आपको पढ़ने हैं। एल्गोरिदम किसे कहते हैं, एल्गोरिदम कैसे लिखा जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपसे 6th क्लास में डिस्कस करूँगा। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट डे नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे जनरेशंस ऑफ कंप्यूटिंग, यानी कि कंप्यूटर का जनरेशन, कितने फेज में हमारा कंप्यूटर आया, कब आया, कौन कौन से एडवांटेज थे, कौन कौन से डिसएडवांटेज थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, और इनको बहुत ही समझदारी से समझना है, बहुत ध्यान से पूर्वक सुनना है वीडियो को। और बच्चों, नोट्स के लिए चिंता नहीं करनी है आपको, नोट्स मैं चैप्टर समाप्त होने के बाद सारे क्वेश्चन आंसर के साथ मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा। एक वीडियो सिर्फ नोट्स और क्वेश्चन आंसर के लिए ही होगा। तो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू।